अगर आपका सवाल है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी कितनी होती है, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बाद सैलरी की, प्राइवेट जॉब में सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यानी कि पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल यानी 3 ईयर्स में कम्प्लीट होता है। इसे आप 10th यानी 10वीं के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई बन सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बीटेक के सेकंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाएंगे। बात करते हैं सैलरी की। देखिए, सैलरी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सैलरी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने किस कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट किया है। सैलरी इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, आपका वर्क परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या स्किल्स हैं, इन सभी चीज़ों पर सैलरी डिपेंड करती है। सैलरी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है यानी कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब सैलरी के बारे में, यानी कि अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाता है तो उसके बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ यानी कि 10 to 15 thousand रुपीज़ पर मंथ की हो सकती है। अगर आपको एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की भी हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, यानी कि अगर आपको SSC जेई या फिर उसके अलावा और भी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 35 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ की हो सकती है, यानी 35 to 45 thousand रुपीज पर मंथ की हो सकती है। डिपेंड करता है पोस्ट पर कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है और आप किस स्टेट में जॉब कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर भी सैलरी डिपेंड करती है। अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द स्पेशल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आप तक हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।